हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो प्यारे बच्चों, ये आप देखिए, आज होने वाला है आपका मैथ का पेपर, और मैथ के पेपर का हम आंसर की लेके आ चुके हैं, और 100% आपको सॉल्व करके बताएंगे कि ये कैसे होगा, और आपको 100% रियल आंसर की दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलती नहीं बताया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों, इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 100% ओरिजिनल आपको बताने वाले हैं आंसर की। तो जितना जल्दी हो सके प्यारे बच्चों, फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले प्यारे बच्चों 50, यहाँ आप देख लीजिए 100 जो पूछा गया है, लेकिन बनाना हमको कितना है, 50 ही बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाइए फटाफट से और वीडियो को शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक करके, और प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, 9935742024। यहाँ पे आप अपना ये देखिए नंबर लिख दिए हैं, आप इस पे मैसेज करके जुड़ जाइए। और यहाँ आप देखिए, अगर आपको पैट कोर्स लेना है जो आपके एग्जाम में 100% लड़े, तो आप लोग इस पे कॉल करके बात कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए पीडीएफ वाले ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। तो हम मैथ का आंसर की लेके आ चुके हैं, आपके एग्जाम में यही रहेगा 100%, तो आप लोग इसको सॉल्व करते चलिए। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन का डालें, इसको करते हैं प्यारे बच्चे किससे, फिर यहाँ पे करेंगे इससे। तो देखिए 3 दुना का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और फिर 3 जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए प्यारे बच्चों, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, यहाँ पे देखिए 0 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए 2 दुनी क्या प्लस हो जाएगा 4, यानी पूरा सोल्व कीजिएगा तो टाइम लगेगा। एग्जाम में कैसे बनाया जाता, ऊपर 6 आ गया 4 आ गया, कौन से ऑप्शन में, ए वाला में है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, पहले का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको मिल जा रहा है वहीं पे आपको क्या कर देना है प्यारे, सही कर देना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ देखिए 8 प्लस 3, यहाँ देखिए 13 हो गया। इसको भी ऐसे ही सोल्व किया जाता है, बिल्कुल आसान को मेथड है, वही मेथड है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मारते चलिए, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाई बाई, यहाँ देखिए -π/2 से +π/2, और क्या दिया है, कॉट एक्स। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये क्या है, -π/2 से π/2 तक करना है, यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। या तो आपको ऐसा करना पड़े, यहाँ देखिए -1 से +1, ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन में जितना भी इंटीग्रेशन होता है ना वो 0 होता है। तो ये क्या है, -π/2 से +π/2, यानी ये ऑड फंक्शन हो रहा है, ऑड फंक्शन का प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, 0 होता है, याद रखना है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 0 इंटीग्रेशन होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरा 100% आपको सही आंसर की बताएंगे, तो आपको प्यारे इसको याद कर लेना है। चलिए यहाँ आप देखिए, याद नहीं बनाने का सीख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा फटाफट अंदाज में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए sin 10, यहाँ देखिए sin के पावर 10 थीटा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, देखिएगा कैसे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन को फटाफट से प्यारे बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हैं ना इसको ध्यान रखिएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन दे दिए, यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन, और यहाँ पे क्या है, साइन के पावर 10 थीटा है, तो मान लीजिए थीटा दे दिए, और डॉट यहाँ पे हम लोग 1/cosec को क्या लिख सकते हैं, 1/ यहाँ पे देखिए साइन लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पे देखिए 9 थीटा लिख सकते हैं, कट गया कितना बचा हमारा, 1 साइन थीटा बचा, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है, -cosec थीटा, -cos थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा, -cos थीटा प्लस सी लिख दीजिए, या प्लस सी -cos थीटा, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सी वाला ऑप्शन होगा। तो 4 का क्या होगा प्यारे, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको ऐसे बना दीजिएगा, चलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको पूरा सोल्व करने का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कितना जबरदस्त आ गया, अब यहाँ पे आप लोग इसको कैसे सोल्व कीजिएगा फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे आपको देख लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से प्यारे यहाँ पे इसका आंसर लगा दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से एक बार आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस, यहाँ देखिए कॉस
sec स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसमें हम साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन प्यार बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचा माइनस क्या बचा प्यार बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा प्यार बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा प्यार बच्चों क्या साइन बचेगा प्यार बच्चों क्या बचेगा कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों वो एक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, यहाँ पे कॉस थीटा का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जल्दीबाजी में बताने का मतलब है कि आपको सिर्फ आंसर मिलाना है, मेथड समझ लीजिए कैसे बनाना है। साइन इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में है, और इसके बाद से क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पांच का ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए छह नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा 100% प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये आना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, माइनस तीन को बाहर निकाल दीजिए, साइन का क्या होता है माइनस कॉस यहाँ पे होता है एक्स हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं एक मिनट, थोड़ा सा हम सॉल्व करना नहीं चाहते हैं लेकिन आप लोग सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ देखिए थ्री है तो थ्री, फिर क्या हो जाएगा देखिए साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस है तो कॉस, थीटा है तो थीटा, प्लस है तो प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर है तो फोर, यहाँ देखिए कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे क्या है और यहाँ आप देखिए एक्स है तो एक्स। अब यहाँ देखिए कट गया कितना बचा तो तीन कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसान मेथड है, बिल्कुल यहाँ पे मजा आने वाला एक एक क्वेश्चन को देख के। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कैसा है, एक बटा दो सात नंबर क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों क्या दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है प्यारे बच्चों, यहाँ देख लीजिए इसके लिए ट्रिक है। तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक क्या होता है, बस यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए एक बटा टू है ना, देखिए सात नंबर क्वेश्चन कैसे हल करना है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है एक बटा टू इंटीग्रल फंक्शन है प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा यहाँ पे मोड लगा के नीचे वाला लिख दिएगा लॉग मोड लगा के, देखिए एक बटा टू है तो एक बटा टू, एक बटा टू है तो एक बटा टू यहाँ पे क्या लगाना है प्यारे, एक मिनट सही से चल नहीं रहा है, यहाँ देखिए एक बटा टू है तो एक बटा टू और यहाँ पे आप लोग लॉग लगा दीजिएगा मोड लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी का ये प्यारे बच्चों क्या एक्स के पावर क्या हो जाएगा थ्री और प्यारे बच्चों क्या है प्लस पांच और प्लस क्या कर देना है के, ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए कौन से ऑप्शन में एक बटा टू लॉग थ्री एक्स प्लस पांच, यहाँ पे क्या हो जाएगा सात का कौन सा ऑप्शन में है सात का प्यार बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है तो बी वाला ऑप्शन को आप लोग मारिए ना सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करते चलिए। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया और 100% यही आंसर की है, तो आप लोग इसको प्यारे फटाफट से करते चलिए, फिर इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों वही करेंगे, क्या है ऊपर में cos x प्लस sin x नीचे में वही है, तो फिर प्यारे बच्चों वही करेंगे, क्या करेंगे इसमें log मोड लगा देंगे, नीचे में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा log मोड लगा देना है और नीचे वाला लिख देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन और यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, देखिए कौन से ऑप्शन में आठ नंबर का, आठ नंबर का कौन से ऑप्शन में आप बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये तो बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है तो बी वाला पे क्या करना है आपको प्यारे टिक कर देना है, ऐसे ही आपको बनाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन का आइए प्यारे बच्चों, नौ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन है, यहाँ पे देखिए एक बटा एक से स्क्वायर प्लस 16 है तो हम लोग चार का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब चार का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों देखिए नौ का कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। तो इसका कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटा चार और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स सिक्स का होता है तो टेन इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है एक बटा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और प्लस में क्या है चार का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बटा ये चार हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में एक बटा चार टेन इनवर्स एक्स बटा चार कौन से ऑप्शन में है तो देखिए यहाँ देखिए एक बटा चार टेन इनवर्स एक्स बटा चार यानी कौन से ऑप्शन में प्लस के लगा देना यानी ये नौ का क्या हो जाएगा प्यारे नौ का हो जाएगा आपका सी और ये आंसर की दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा है प्यारे लेकिन हम बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग सही करते चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाइए देखिए ये क्या है समझिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है माइनस एक से प्लस एक
माइनस एक से प्लस एक, उस टाइम क्या था माइनस पाई बाई टू से हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, प्लस पाई बाई टू पे करना था ना। ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा शून्य होता है। तो क्या सोचना, यहाँ पे जीरो पे टिक कीजिए ना, जीरो पे टिक कीजिए, दस का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब आ जाइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको ये सावधानी बरतना पड़ेगा प्यारे। देखिए यहाँ पे पहले से दो दे रखा है, दो दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, पहले से दो दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, जीरो से आपको करना है दो, और यहाँ पे क्या है एक से स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में एगो जोड़ते हैं, ये आपको पता है, पावर में एगो जोड़ के पावर को ही नीचे लेके आते हैं, आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 3/3 और यहाँ पे क्या है 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे लिमिट लगाना है ना, सॉरी यहाँ पे लिमिट लगाना है आपको क्या, 0 से 2 तक। जब यहाँ पे आपको इसमें लिमिट लगाइएगा, एक बार प्यारे बच्चों क्या करना है, 0 रखना है, एक बार 2 रखना है। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा प्यारे बच्चों, 16/3 आ जाएगा, एकदम 100% की 16/3 आएगा। आपको किस पे मारना है, तो 11 का सी पे मारना है, बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसमें भी क्या है -1 से +1, हम क्या बताएं, इंटीग्रेशन में ऑड फंक्शन का कभी भी इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो टिक कर देना है, ए वाला ऑप्शन मारिए ना सर, क्या हो जाएगा 100% सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर। तो ये प्यारे बच्चे आप लोग याद करते चलिए, याद नहीं बनाते चलिए, जैसे हमको आदत पड़ गया है याद करने का। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर लगाइए, तो फटाफट से 13 का राइट आंसर लगा दीजिए फटाफट से। 11-12 मिनट का क्लास हो गया, आंसर की क्लास का क्लास इतना लंबा, बहुत ये अच्छा नहीं है। देखिए आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए -1 से +1, ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो। आपको क्या कर देना है, जीरो ढूंढिए, जीरो यहाँ पे क्या है बी वाला में है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिएगा प्यारे, इसको बनाने को सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3/4 है तो 3/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे, 2/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√x होता है ना, तो 2/ प्यारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो x का पावर हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे देखिए प्लस में k लगाना है, लगा दीजिए, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यानी 1/2 x का पावर 3/2 प्लस k, ये कौन से ऑप्शन में आया है, तो आपको दिख रहा होगा ये सी वाला ऑप्शन में आया है। तो मार दीजिए सरकार सी वाला ऑप्शन पे, आपका पूरा 100% राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम क्या बताए हैं प्यारे लाल, ये क्वेश्चन को हम क्या बताएं, 15 को कैसे सोल्व करना है, 15 को कैसे सोल्व करना है प्यारे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे बनाना है, इंटीग्रेशन दे दीजिए, यहाँ पे x माइनस वन है ना, x माइनस वन है, और बटा में क्या है, तो देखिए इसको स्क्वायर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, एगो एक प्लस वन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एगो x माइनस वन लिखेंगे, और ये क्या होगा, x माइनस वन से x माइनस वन कट गया, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वन, यानी क्या होगा, 1/(x+1) इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग लगा के मोड लगा के x प्लस वन प्लस के। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिखेगा, आपको दिखेगा बी वाला में, तो बी वाला क्या करना है, आपको टिक कर देना। ऐसे ही बनाते हैं प्यारे बच्चों मैथ, बहुत मजा आता है मैथ बनाने में। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लगा दीजिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, 16 का आप लोग फटाक से राइट आंसर लगा दीजिएगा, 16 का आप लोग फटाक से राइट आंसर लगा दीजिएगा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए लगाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 6dx है, और प्यारे बच्चों क्या दिए, 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, पीसी में साफ नहीं दिख रहा है क्या दे रखा है 16 नंबर में, 36x² दे रखा है प्यारे। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा, √1 माइनस, माइनस का चिन्ह है ना, और यहाँ पे क्या है 6 का, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 का एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन इनवर्स हो जाएगा इसका, क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स 100x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, इसका
साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 6x, मार दीजिए यहाँ पे 6x प्लस के, सी वाला ऑप्शन आपका 100% राइट आंसर। चलिए फटाफट यहाँ पे आंसर करते चलिए, मजा आएगा। चलिए यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि सिक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x प्लस 10 2x, अब यहाँ पे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग एक बार समझ लीजिए, समझ लीजिए मेरे प्यारे लाल, कैसे बनाइएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है इसको कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा sec 2x tan 2x क्या हो जाएगा प्यारे, 17 का क्या आंसर लगाइएगा यहाँ पे आप लगाइएगा, 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, sec का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec इसको यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे क्या sec 2x प्लस के, देखिए हाँ क्या हो जाएगा 1/2 sec 2x प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए हम जल्दीबाजी में कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन प्यारे बच्चे 18 देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ आप देखिए आपको पता है चार दिया है, चार ऐसे कर देना है, इंटीग्रेशन है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, चलिए इंटीग्रेशन को हम हटा देते हैं, जल्दी जल्दी भाई बता रहे sec स्क्वायर इसका क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या tan, यहाँ पे क्या है tan, x की जगह पे क्या है 8, x नीचे आ जाएगा 8, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 tan 8x प्लस के, देखिए कौन से ऑप्शन में है 1/2 tan 8x प्लस के, आपको दिखेगा सी में, मार देना है सी, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये आंसर की है ऐसे ही मिलाते चलिए बनाते चलिए, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों टाइम तो बहुत लग रहा है, 17 मिनट हो गया, 18 ही क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि वेक्टर आई डॉट जे डॉट आई, यहाँ पे यही ना है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 नंबर का देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, आई डॉट जे ये हो गया शून्य, और यहाँ देखिए जे डॉट डे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन इसका राइट आंसर होगा। हमारी यहाँ पे डी वाला, पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो प्यारे बच्चे फॉर्मूला है, तो 20 का क्या लगाइएगा, फटाफट से लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट से 20 का यहाँ आप देखिए डी बाई डी एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, अब ये तो पता है आपका कि ये किसका होता है, तो 20 का क्या मारिएगा बाबू, 20 का मारिएगा क्या tan इनवर्स x प्लस k का, ये होता है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो 20 का, और 100% आपको सही बताया जा रहा है, तो आप लोग सही आंसर मारते चलिए। अब देखिए प्यारे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का कमाल, जादुई ट्रिक और कैसे बनाया जाता है ये समझिए, कि साइन दे रखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे 9x/11, वाह क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तो ऑस्कर मिलना ही चाहिए। कैसे बनाइएगा देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा देखिए, साइन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, होता है माइनस कॉस होता है कि कॉस होता है, 21 का लगाइए ना प्यारे लाल जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए, बहुत बढ़िया माइनस कॉस होता है, सभी बच्चे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x/11, अब यहाँ पे क्या आ गया 9/11, यानी उल्टा इसको नाचना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा नाचना चाहिएगा, तो क्या होगा माइनस, यहाँ देखिए ये 11 ऊपर हो गया 9 नीचे हो गया और माइनस हो गया, और कॉस यहाँ देखिए 9x/ क्या हो गया 11 प्लस यहाँ पे के लगा दीजिए, अब देखिए कौन से ऑप्शन में लगाइए ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 21 का क्या होगा देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 11/9 यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है ना 21 का, बहुत बढ़िया यही आया, देखिए सी वाला में दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाया जाता है मैथ, कोई यहाँ पे पहाड़ चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है पढ़ने का, सिर्फ यहाँ पे देर है। अब देखिए कॉस का क्या होता है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन कॉस का, प्यारे लाल जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर बताइए क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन होता है, होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे लिखिएगा ऐसे साइन 1/2 और ये उल्टा कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin, यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस हो जाएगा के, देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा डी वाला में दिख रहा है ना, तो डी वाला के टिक कीजिए, डी वाला आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन आइए,
वही सब है प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन है। फटाफट करते चलिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर 13x/17 dx। अब देखिए sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो यहाँ पे लिखिएगा आराम से 10x की जगह पर 13/17। अब उल्टा कर दीजिए, बटा में यहाँ पे देखिए 13/17 लिखिएगा तो उल्टा ही ना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 10 13/17 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/13। तो देखिए यहाँ पे कौन से 17/13 10 क्या हो जाएगा 13/17 यानी क्या हो जाएगा x लगा दीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है कोई बात नहीं है, लगाइए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b वाला ऑप्शन 23 का b मार रहे हैं ना, 100% राइट आंसर आपका b ही होगा। तो आप लोग ऐसे ही बनाते चलिए, बाकी आंसर की है तो हम तो बोलेंगे खाली आंसर फटाफट बताते चलते हैं कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फटाफट आंसर आप लोग को सिर्फ मारना ही ना है, तो फटाफट 20 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी मारते चलिए ना प्यारे। ये सब क्या है 24, बहुत बढ़िया, 24 का क्या हो जाएगा x का पावर यहाँ पे 2x दिया है इंटीग्रेशन में, कभी भी याद रखिएगा इसका क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है 2x स्क्वायर हो जाएगा और log यहाँ पे लेके 2 लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस के लगाएंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कौन सा है, x 2 के पावर x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2x प्लस के, यानी सी ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ध्यान करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, गुणा करेगा ना प्यारे, क्या कीजिएगा 25 का, फटाफट से आंसर लगा दीजिए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करेगा 7, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, पावर में एगो जोड़ा जाता है ना, पावर में एगो जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x³ और फिर क्या करते हैं पावर को ही नीचे लेके आते हैं, तो 3+11x है ना, सॉरी यहाँ पे x लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 है तो 11 का क्या हो जाएगा पावर में एगो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x² बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस लगाना है के, तो के लगाइए। देखिए कौन से ऑप्शन में है 7x³³ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x² / 2 प्लस के, देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे, बी वाला में दिख रहा है। तो आपको ऐसे मारना है, बिल्कुल 100% सही होगा, बिल्कुल प्यारे इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लगा दीजिए, e^x का क्या होता है e^x, और देखिए 10x + sec(x) क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 10x, तो e^x क्या हो जाएगा 10x + k, यानी हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही, एकदम एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। तो आप इसे सही करते चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो यहाँ पे माफी चाहते हैं। 32 का क्या होगा देखिए प्यारे बच्चों, 32 का हो जाएगा, 32 का यहाँ पे बनाना है आपको, तो क्या हो जाएगा dy/dx e^-4x, तो क्या हो जाएगा -4e^-4x इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए -4e^ क्या हो जाएगा 4x, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 33 का क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या लिखा है 7x लिखा है ना, तो यहाँ पे आप 33 का यहाँ पे क्या बनाएंगे, 33 का फटाफट से बना दीजिए, तो 7x है और कितने है डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए डिफरेंशिएशन में है ना, तो ये हो जाएगा 7x इंटू क्या हो जाएगा log 7 हो जाएगा, 7x इंटू log 7, 7x का डिफरेंशिएशन 7x और आपको लगाना पड़ेगा log 7, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में देखिए हमारा लिंक दिख रहा है डी वाला में, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे, बिल्कुल सही आंसर होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको कीजिए 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है ना सभी मेरे होशियार स्टूडेंट अब यहाँ पे इसका आंसर देंगे, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी 24 का आंसर लगाएंगे, और लेट होगा तो सिर्फ आंसर ही बताते चलेंगे हम यहाँ पे। 34 का देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए प्यारे, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए dy/dx 1/ क्या है 4-x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा क्या हो जाएगा 1/4-x², तो यहाँ पे इसको याद रखना है। अब चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे अब सॉल्व करने का टाइम नहीं है, 25 मिनट हो गया, ज्यादा देर का यहाँ पे क्लास नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है आपका आंसर की गाय, फटाफट आपको मिलाते चलना है। अब हम अपने मन से बना बना के आपको फटाफट आंसर लगा रहे हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन,
35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू यहाँ पे क्या दिखा, ए कोस स्क्वायर थीटा, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे क्या लगाइएगा, 35 का क्या लगाइएगा प्यारे, ए वाला ऑप्शन पे लगाइएगा। चलिए फटाफट से मारते चलिए, 100% सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 36 नंबर की, अवकल समीकरण एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका हल क्या होगा, तो 36 का हल क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा प्यारे, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स और क्या है, अवकल है, तो एक्स में जोड़ेंगे तो एक्स का पावर 2/2 प्लस वाई में जोड़ेंगे तो वाई का पावर क्या हो जाएगा, अवकल है ना। मान लीजिए आपको ये करना है, एक्स का यहाँ देखिए एक्स का करना है प्लस वाई स्क्वायर का करना है, पावर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक प्लस एक जोड़ दिए और बटा में क्या, वही इसको लाके नीचे रख दिए, प्लस क्या हो जाएगा, वाई में है, वाई पे प्लस 2 है, एक जोड़ेंगे और क्या करेंगे, उसी को नीचे लेके आ जाएंगे, यानी x का पावर 2/2 प्लस y का पावर 3/3, x का पावर 2/2 y का पावर 3/3, सी वाला ऑप्शन राइट। ऐसे ही तो बनाना है, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, फटाफट से बनाते चलिए। अब देखिए dy/dx e के पावर क्या है, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया है, चलिए यहाँ पे दोबारा हो गया है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अवकल समीकरण ये भी हो गया, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, अब 37 नंबर क्वेश्चन को हम जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है प्यारे। तो यहाँ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, आई 2, तो यहाँ देख लीजिए डॉट है 3 के और यहाँ पे क्या है प्लस 2i, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा 200%, यहाँ पे आपको मार देना है, फटाफट करते चलिए प्यारे, अब यहाँ पे रुकना नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है e के पावर एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर 2y dy का, इसका हल क्या होगा, तो 38 का हल क्या होगा प्यारे, यहाँ पे आपको देख लेना है, तो यहाँ पे ई के पावर x हो जाएगा और यहाँ पे क्या है ई के पावर 2y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2y प्लस, यहाँ देखिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई के पावर x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2y, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, देखिए डी वाला में है, तो मार दीजिए डी वाला ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला अवकल समीकरण dy/dx माइनस dy/dx का हल, देखिए ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, तो इसका हल होता है प्यारे बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा ky, x बराबर ky, तो यहाँ पे आपको 39 का किस पे लगाना है, सी पे लगाना है। अगला आ जाइए 40 नंबर की, अवकल समीकरण dy/dx क्या है प्यारे बच्चों, माइनस वाई यहाँ देखिए कॉट एक्स बराबर यहाँ देखिए कॉस एक्स, इसका समकल गुणांक क्या होगा, इसका समकल गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या दिखे कॉट एक्स और कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला मारिएगा, 100% आपको सही बता जा रहा है क्योंकि टाइम देख रहे हैं हम ज्यादा हो रहा है, देखिए 28 मिनट का क्लास हो गया और यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमको देखना है और आपको 50 में से कितना बनाना है, 50 बनाना है, 50 ही बना के छोड़ देते हैं क्योंकि आपको आंसर की सिर्फ मिलाना है और आपको क्या करना है सही करके आना है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस 3y/x बराबर 10 का समकल गुणांक क्या होगा, तो इसका समकल गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए समकल गुणांक क्या हो जाएगा, dy/3y है तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, इसका समकल गुणांक हो जाएगा हाँ x का पावर क्यूब हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन मारिएगा, 41 का क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप इसे प्यारे बनाते चलिए, आंसर मारते चलिए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 का क्या होगा, फटाफट से मारिए, 42 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 5 वेक्टर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला मारिएगा इसको, यहाँ पे 42 का ए वाला ऑप्शन सही होगा, आप इसे सही कर दीजिएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन वही है, वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है, वेक्टर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा i-2 और j-2k, तो यहाँ पे इसका क्या होगा 43 का, शायद हमारे ख्याल से प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है 2×2=4 और यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन आपको सही कर देना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि सरल रेखा प्यारे बच्चों इतना दिया है तो इसका द्विक अनुपात क्या होगा, इसका द्विक अनुपात क्या होगा प्यारे, यहाँ पे आपको निकाल देना है 9/7 होगा, यहाँ पे आपको इस पे टिक कर देना है, बहुत बढ़िया। अगला आ जाइए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है, दिया है निम्नांकित में से किस बिंदु से गुजरेगा -1 और -2 और जेड क्या दिया है +3, तो 46 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, 2 और -3, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा बी वाला होगा, बी पे मारना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 47 का क्या मारिएगा, 47 का मारिएगा प्यारे बच्चों क्या
इसका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है, कुछ नहीं, जीरो पे मारिए, जीरो आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, सही आंसर होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स। अब यहाँ पे आपको बताना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। सबसे पहले आपको पता है कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। 48 का क्या मारिएगा, सॉरी साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला होगा, तो बी वाला पे टिक कर रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत मत कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मार दीजिए सी वाला पे आपका सही होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता देते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग सही कर दीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50 बनाना है, 50 हम आपको बता दिए, यहाँ पे इसको दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का पैर बच्चों फिर से एक बार कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ देखिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का कीजिएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे बी वाला पे मारिए आपका क्या हो जाएगा पूरा परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए टाइम तो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम आपको समझा भी दिए और आपको पूरा बना के भी दिखाए, आपको सॉल्व करके भी दिखाए। तो चलिए यहाँ आप देखिए एग्जाम का पेपर ऐसे ही सॉल्व किया जाता है फटाफट अंदाज में। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इसका पीडीएफ हम डाल दिए हैं, कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर की चलिए अब हम आपको बताते हैं, जस्ट अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए हाथों हाथ। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे फटाफट से आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पे क्या करना है शेयर कर देना है फटाफट से। तो चलिए हम बताते हैं कैसे इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और गूगल क्रोम पे आपको मारना है आस्क बोर्ड, आस्क बी ओ ए आर डी, आस्क बोर्ड सर्च कीजिए, आस्क बोर्ड मारिए सर्च, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड, यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही प्यारे बच्चों इस पे क्लिक कीजिएगा, चलिए आस्क बोर्ड होम कहाँ आ रहा है यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड होम, यहाँ आप देखिए एक मिनट रुक जाइए, चलिए यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड यहाँ पे आपको सर्च करना है और यहाँ पे आस्क बोर्ड डॉट इन पे आपको कर देना है, और उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है आपको यहाँ पे नीचे आना है सिंपली। ये ऑनलाइन टेस्ट डायरेक्ट खुल रहा है लेकिन इसको नहीं खुलना चाहिए, आप में होम खुलेगा, आपको होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आना है सिंपली, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं आना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैथ बायोलॉजी वायरल क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव भी बायोलॉजी का इसी में है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है, इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आइएगा नीचे, नीचे आइएगा, नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए प्यारे, नीचे आते जाइए, नीचे जैसे ही आएगा आइएगा आइएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है मैथ का वायरल क्वेश्चन, एक क्लिक डाउनलोड, एक क्लिक डाउनलोड, आइए फटाफट से डाउनलोड कीजिए। तो फटाफट से आइए प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव भी मिलेगा बायो का और यहाँ पे मैथ का भी प्यारे बच्चों पूरा सोल्यूशन के साथ पीडीएफ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।